अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने प्ले स्टोर से जो है वो लॉग आउट हो सकते हैं। अगर हम गौर करें अपना प्ले स्टोर जो है ना उसको ओपन करें तो ये टॉप पे जो आप लोगों को तीन लाइनें नज़र आ रही हैं इन पे अगर हम क्लिक करने के बाद जो है नीचे देखें तो हमारे पास कहीं भी जो है ना वो लॉग आउट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जो है ना वो जाना होगा। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद अभी आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप लोगों के मोबाइल में एक ऑप्शन मौजूद होगा जो कि यूजर्स एंड अकाउंट्स वाला ऑप्शन है। अगर आप लोगों के मोबाइल में ये नज़र नहीं आ रहा तो आप लोगों को क्या करना है कि ये टॉप पे जो सर्च बार है इसमें आप लोग लिख सकते हैं। मेरे में चूँकि नज़र आ रहा है तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर अकाउंट्स, जैसे अकाउंट लिखूँगा ये देखिए मेरा यूज़र एंड अकाउंट वाला ऑप्शन जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके साथ जो है ना ये जो हमारे पास ऑप्शन आ गए इसमें से हम गूगल पे जो है वो क्लिक कर देंगे। ये गूगल नज़र आ रहा है इस पे जो है ना क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को ये दो डॉट जो है टॉप पे नज़र आ रहे हैं इन पे जो है ना हम यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सिंक नाउ और रिमूव अकाउंट ये हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को करना है रिमूव अकाउंट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है और अब यहाँ से क्या करेंगे हम रिमूव अकाउंट। तो इस तरीके से जो है ना हमारा अकाउंट जो है ना वो रिमूव हो चुका है। तो अभी हम चेक करेंगे कि अब वाकई हमारा जो है ना अकाउंट जिसको हम रिमूव करना चाहते थे हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए मैं दोबारा से जो है ना प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे साइन इन मांग रहा है दोबारा से हमसे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो है ना प्ले स्टोर से लॉग आउट हो सकते हैं। तो ये आसान तरीका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और जी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद मामलों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।